welcome back to our English class. Today we are going to start class 6 lesson number 3 abroad the ship level 2 question answer. Level 1 question answer we have already discussed. Okay, level 1 ke question answer hum apni summer vacation se pehle kar chuke hain, chapter ki explanation bhi kar chuke hain. Aaj hum start karne wale hain level 2 question answer. तो काफी दिन हो चुके हैं, अब स्टोरी भूल चुके होंगे, माइंड में नहीं होगी. मैं एक बार से सम अप कर देती हूँ स्टोरी को. ओके, तो हमारी स्टोरी क्या थी? अब्रॉड द शिप. ये क्या है? महात्मा गांधी जी जो हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये स्टोरी उठाई गई है. ओके, तो इसमें क्या है, जो गांधी जी हैं वो इंग्लैंड जाते हैं. इंग्लैंड जाते टाइम उन्हें क्या प्रॉब्लम होती है कि जिस भी चीज से वो ट्रेवल कर रहे हैं ना, ट्रैवल करते टाइम जो उनके आपस के साथी होते हैं, पैसेंजर होते हैं, वो सभी इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन गांधी जी को इंग्लिश में बातें करनी नहीं आती. तो वो सिर्फ उनकी बातों का जवाब कहाँ से देते हैं? सिर्फ हाँ या ना में इशारा कर देते हैं. ठीक है, मतलब वो बोलने से पहले ना उन्हें कई बार सोचना पड़ता था. ठीक है, अब उसके बाद उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि वो नहीं जानते कि कौन सा खाना वहां पे फ्री ऑफ मीट है. ठीक है, वो मीट वगैरह नहीं खाते थे, इसलिए सबसे मेन प्रॉब्लम ये आई उनके साथ. उनका एक साथी था वहां पे, मजमूदार. वो क्या था, बड़ा ही कंफर्टेबल था हर चीज में. ठीक है, वो गांधी जी को भी कहता था कि आपको इतना सोचना नहीं है, जो भी बोलना है खुल के बोलो. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को एक पैसेंजर मिलता है. वो गांधी जी से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप इतना शाय क्यों कर रहे हैं? तो वो गांधी जी को क्या कहता है कि आप इंग्लैंड जाओगे ना, तो आपका बिना मीट के काम नहीं चलेगा. लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया हुआ है, मैं कभी भी मीट को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं वहां पे ड्रिंक करूंगा, ना ही मैं मीट खाऊंगा. तो वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वहां जाके इन दोनों चीजों के बिना काम नहीं चल सकता. लेकिन गांधी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं वहां पे, वो होटल विक्टोरिया में ठहरते हैं, वहां का बिल बहुत ज्यादा आ जाता है. फिर क्या करते हैं, वो कुछ दिनों के बाद वहां से निकल जाते हैं होटल से, और वहां पे गांधी जी क्या करते हैं, वैसा खाना खाने की बजाय, बाहर का खाना खाने की बजाय, जो अपने साथ वो कुछ सामान लेके जाते हैं ना, वही खाते हैं. ठीक है, अब क्या होता है वहां पे, उन्हें अपनी मदर लैंड की, अपने घर की, अपने होम की, कंट्री की बहुत याद आती है. गांधी जी कहते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता. ठीक है, तो लास्ट में लेकिन वो क्या कहते हैं, उनकी इनर वॉइस क्या कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 3 साल यहाँ पे काटने ही हैं, क्योंकि वो वहां पे स्टडी करने गए हुए थे. तो यहाँ पे हमने स्टोरी को सम अप कर लिया. अब देखिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9-8 तक हमारे क्वेश्चन आते हैं लेवल 1 में. अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. How old do you think Gandhi was when he sailed to England? तो क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कि गांधी जी कितने साल के होंगे जब वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे. Mention the clue that had helped you answer. तो हमने बताना है कि कौन सी लाइन ऐसी है, कौन सा क्लू हमें चैप्टर में मिल रहा है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने साल के थे. तो देखिए, हमने चैप्टर शुरू करने से पहले ही स्टार्टिंग एक पैराग्राफ देखोगे आप, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गांधी जी कब गए थे इंग्लैंड, when he was young. तो देखिए, Gandhi was 18 year old when he sailed to England. The line as a young man, he traveled to England help us to find answer. तो ये लाइन हमें बताती है, ये लाइन हमें क्लू देती है कि वो 18 to 19 years की एज थी. क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, how would you describe Gandhi's mood on board the ship? Board the ship. अब शिप में गांधी जी का मूड कैसा था वो हमने देख ही लिया, हमने अभी डिस्कस किया. वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे दो रीजन से. सबसे पहले तो उन्हें इंग्लिश में बात करने की हैबिट नहीं थी, हैबिचुअल नहीं थे वो, और सेकंड प्रॉब्लम उनके साथ क्या आ रही थी, खाने से रिलेटेड आ रही थी. तो देखिए, गांधी फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल ऑन बोर्ड द शिप बिकॉज, अब रीजन क्या था, ही वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग इन इंग्लिश and he did not know what dishes in the menu were free of meat. उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी डिशेज जो है वो फ्री ऑफ मीट है. Our next question is question number 11.
Why do you think Gandhi went to London? इसने पूछा गया है कि गांधी जी जो थे वो लंदन क्यों गए थे? गांधी went to London to study law. वो क्या करने गए थे? कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? वो लंदन गए थे. He passed his Roman law and bar finally 1891. कब की उन्होंने? 1891. वो कब गए थे? 1888 में वो इंग्लैंड गए थे और 91 में जो उनकी लॉ की पढ़ाई थी, स्टडी थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी. द लाइन आई मस्ट फिनिश द 3 इयर्स गिव अस क्लू. ये लाइन हमें बताती है कि वो लंदन स्टडी करने गए थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आर द थिंग्स गांधी मिस्ड अबाउट हिज मदरलैंड? क्या चीजें थी जो गांधी जी वहां जाके, इंग्लैंड जाके, लंदन जाके मिस कर रहे थे? What aspects of his personality is expressed through his thoughts and feelings? अब जो उनके विचार हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनसे जो है उनकी कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो सामने आ रही है? तो हमने जब स्टोरी रीड की थी तो हमने क्या देखा था? वहां जाने के बाद उनको अपनी मदर की, अपने घर की, वहां के खाने की, रीति रिवाजों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी. ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो बड़े ही इमोशनल थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो उनकी एज काफी कम थी. तो देखिए आंसर, गांधी मिस्ड ऑफ हिज होम कंट्री एंड हिज मदर्स लव. वो इन सब चीजों को मिस कर रहे थे. हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स टेल्स अस दैट ही वाज अ वेरी इमोशनल पर्सन एट दैट टाइम. इससे हमें पता चलता है कि वो उस टाइम पे बड़े ही भावनात्मक या इमोशनल पर्सन थे. हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर है 13. व्हाट डज इनर वॉइस रेफर टू? यहाँ पे जो इनर वॉइस है, इनर वॉइस मीन्स हमारी अंदर की जो आवाज आती है. जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि क्या ये काम सही है, क्या ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ. तो देखिए, व्हाई डू यू थिंक गांधी लिसन इट? और गांधी जी ने इस आवाज को क्यों सुना? तो देखिए, जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? एक बार से हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये काम अच्छा नहीं है. तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, देखिए, इनर वॉइस रेफर टू वॉइस ऑफ गॉड. यहाँ पे गांधी जी के लिए जो इनर वॉइस थी वो क्या थी? वॉइस ऑफ गॉड थी, भगवान की आवाज थी. ओके, एंड ट्रूथ, और दूसरी क्या थी? सच्चाई थी. गांधी लिसन टू इट बिकॉज, उन्होंने उसको सुना क्यों? क्योंकि दिस वॉइस टेल गांधी जी यू आर ऑन राइट ट्रैक. क्योंकि इस आवाज से जो था गांधी जी को पता चला कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं. तो ऐसा ही हमारे साथ होता है. जब भी हमें मान लो कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक बार तो हमारा मन अंदर से बोलता ही है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ को गलत ट्रैक पे, रॉन्ग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं. तो हमारे अंदर से आवाज आती है, नहीं, ये काम ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है. तो यही होती है आपकी इनर वॉइस. ओके, और जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्लास 6 का लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है. पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा? पार्ट 1 में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड लेवल 1 क्वेश्चन आंसर देखे. आज हमने पार्ट 2 किया है. इस पार्ट 2 में हमने लेवल 2 के क्वेश्चन आंसर किए हैं. आई होप कि आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हम अपने लेसन 4 के साथ फिर से इंग्लिश की क्लास में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.